So, बात कुछ ऐसी है ना, 19th सेंचुरी तक फिजिसिस्ट का ये मानना था कि जैसे साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है जो कि हमारा एटमॉस्फेयर होता है, उसी तरह लाइट को भी ट्रैवल करने के लिए एक हाइपोथेटिकल इनविजिबल मीडियम की जरूरत होती है जिसे वो वक्त एथर कहा गया था। पर ये तो हुई एक बात, इसके अलावा वो ये भी मानते थे कि जैसे किसी नदी के डायरेक्शन में बोट तेजी से चलती है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में धीमे चलती है, उसी तरह एथर के केस में भी उसके फ्लो के डायरेक्शन में लाइट फास्ट ट्रैवल करती है।